बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने फिल्म द केरला स्टोरी से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। बीते दिनों अदा शर्मा को उस फ्लैट के बाहर देखा गया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद खबर यह आने लगी कि एक्ट्रेस ने इस फ्लैट को खरीद लिया है। अब एक इंटरव्यू के दौरान अदा शर्मा ने सुशांत का फ्लैट खरीदने के सवालों का खुलकर जवाब दिया है। सिद्धार्थ कानन के साथ इंटरव्यू में अदा शर्मा ने अपार्टमेंट खरीदने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं सभी के दिलों में रहती हूं। अदा ने कहा कि बोलने का एक सही समय होता है। जब मैं वह जगह देखने गई तो मीडिया का ध्यान देखकर भाव विभोर हो गई। मैं एक निजी व्यक्ति हूं, मुझे अपनी फिल्मों के लिए लोगों की नजरों में रहना पसंद है। मैं हमेशा निजी रहती हूं, मैं अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती आई हूं। अदा शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट बेचे जाने के बारे में ऑनलाइन होने वाली नकारात्मक टिप्पणियों के बारे में अपनी निराशा साझा की। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इंसान जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में गॉसिप करने का कोई मतलब नहीं है। वह एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रोल ना करें जो मौजूद नहीं है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस फ्लैट में आखिरी सांस ली थी वह मुंबई के बांद्रा वेस्ट में क्वार्टर रोड के छठी मंजिल पर स्थित 4BHK अपार्टमेंट काफी शानदार है। सुशांत के निधन के बाद से ही यह अपार्टमेंट को खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद रियल एस्टेट एजेंट ने ऑनलाइन एडवर्टाइज दिया था।